कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क। अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का डर किस प्रकार से, जो कोरोना का खौफ है भारत में फैल रहा है। अब सरकारें भी इसको लेकर सतर्क हो चुकी है और 31 मार्च तक विदेश से भारत ये यात्री नहीं आ सकते हैं। फिलीपींस, मलेशिया के जो यात्री हैं वो नहीं आ सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, कोरोना को लेकर ये सरकार ने कदम उठाया है और अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल के लिए 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक कुछ ऐसे कदम ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, फिलहाल के लिए क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, कोरोना की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के अब एक और जो मरीज है उसकी जान चली गई है देश के अंदर। और जहां तक बात की जाए इस संक्रमण के फैलने को लेकर के, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हर प्रकार के ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो सामाजिक है, धार्मिक है या फिर और राजनीतिक है, उन तमाम कार्यक्रमों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, इसके अलावा सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम के अंदर भी जो प्रतिबंध है लगा दिया गया, यानी भीड़ भाड़ जहां भी इकट्ठी हो सकती है उन तमाम जगहों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के सरकार लगातार कदम उठा रही है। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया लगातार पब्लिक प्लेसेस पर चल रही है, लेकिन जिस तरीके का ये वायरस है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को इसमें अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है और उसको लेकर के भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।